हम किसान झुकड़े वाले नहीं है। पीएम मोदी जी अपनी हट छोड़े, किसानों की बात को सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। अटेली से कांग्रेसी नेता सुरेंद्र पटुआ ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, ये तीनों नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। सुरेंद्र पटुआ ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है, मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, किसानों का दर्द नहीं समझते। सुनिए। हम किसान झुकड़े वाले नहीं है। पीएम मोदी जी अपनी हट छोड़े, किसानों की बात को सुने। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, किसानों ने अपनी शहादत दे दी, कितने किसान मारे जा चुके हैं, कितने समय से आंदोलन चल रहा है, सरकार की नींद नहीं जाग रही। पीएम साहब अपने मन की बात करते हैं, किसानों की मन की नहीं सुनते, फिर भी सरकार अपनी बात पैड़ी है। जब किसान इस विधेयक को समझ नहीं पा रहे तो जबरदस्ती सरकार विधेयक ना थरपे किसानों पर। मंडियों बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये विधेयक पास किया गया है। इसमें छोटा वर्ग मारा जाएगा, छोटी मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान को खत्म करने की साजिश है सरकार की। तो जब हमारी तो सरकार से यही विनती है कि ये विधेयक खारिज किए जाए, किसानों की बात को सुना जाए। हम किसान भाई तभी इस बात से सहमत होंगे, अन्यथा हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।